सोई भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा। ये बेशर्म सरकार है, नीतीश कुमार हत्यारे हो गए। विरोधी दल के लोग जवाब चाहती है सरकार से, क्यों नहीं करते हो? बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। महंगाई को ठीक नहीं कर सकते हो, सीधा नहीं कर सकते हो, तो सत्ता से बाहर जाओ। वो स्पष्ट झलकता है कि वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर और सरकार के पक्ष में काम करें, उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। जिस तरह का रवैया बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, वो स्पष्ट झलकता है कि वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर और सरकार के पक्ष में काम करें, उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। और जनता की आवाज़ नहीं हम बनेंगे तो हम सदन में क्यों आए? विरोधी दल के लोग जवाब चाहती है सरकार से। नीतीश कुमार जी बाहर में निकल कर ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत किया गया, तो प्रमाण तो दो। सोई भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा। ये बेशर्म सरकार है, नीतीश कुमार हत्यारे हो गए। नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि गुलशन कुशवाहा की हत्या जो बिहार शरीफ में हुई और राजा साहनी की हत्या जो सासाराम में हुई, इसका हत्या का जुर्म नीतीश कुमार की सरकार पे चलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। देखिए न्यायिक जांच, यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जब तक केंद्रीय बल नहीं मिला शांति हुई क्या? क्यों नहीं करते हो? बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को अब शर्म करना चाहिए कि 18 साल के शासन के बाद भी बिना केंद्र के मदद से आप शासन नहीं चला सकते, ये प्रूव हो गया। बीजेपी दंगाइयों की पार्टी है, अमित शाह को ही उल्टा कर देंगे। देखिए नीतीश, अब राबड़ी जी माता तुल्य हैं, उन पर क्या बोलूं? राजद को सब बिहार की जनता जानती है और अमित शाह जी ने दंगाई को ठीक करने का कहा है, किसी पॉलिटिकल वर्कर को नहीं कहा। दंगाई को ठीक नहीं कर सकते हो, सीधा नहीं कर सकते हो, तो सत्ता से बाहर जाओ। जनता इसका इंतजार कर रही है। सर, बजट से कहा कि